और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम रिवॉल्व कमांड और स्वीप कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। आज के लेसन में हमने रिवॉल्व कमांड और स्वीप कमांड के ऊपर डिस्कस करना है, तो उसके लिए आपके पास यहां पे हमने एक्सट्रूड लॉफ्ट कमांड के ऊपर पहले डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेसन में। आज के लेसन में हम रिवॉल्व एंड स्वीप के ऊपर देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। तो इसके लिए मैं इसे 3D व्यू में लेके जाता हूँ, SW आइसोमेट्रिक में लेके जाता हूँ और यहां से इसको रियलिस्टिक व्यू में लेके जाता हूँ। आज के लेसन में हमने जो काम करना है वो हमने काम करना है जी, सबसे पहले रिवॉल्व और फिर स्वीप है। रिवॉल्व के लिए मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है तो मैं इसका व्यू जो है वो मैं जाता हूँ जी, इसको फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ, फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ और यहां से ओके मैं क्लाइंट ड्रॉ करता हूँ एलिंटर। पीएल एंटर करता हूँ पॉलीलाइन के लिए, पॉलीलाइन ली मैंने यहां से यहां तक, आर्क ले लेता हूं एक एंटर, और यहां से फिर मैं लाइन एल एंटर कर लेता हूं। तो ये क्या ऑब्जेक्ट मैंने एक बनाया, एक मैंने डिजाइन दिया है, एक स्टाइल मैंने बनाया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये 3D में आए मेरे पास और 3D में ये कंप्लीट एक राउंड शेप में यहाँ पे आ जाए, कंप्लीट 3D डिजाइन बन जाए, बिल्कुल इसी स्टाइल में एक डिजाइन बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से अब दोबारा से SW आइसोमेट्रिक में जाता हूँ और व्यू में जाके तो मैं इसको फ्रंट की जगह मैं इसको वर्ल्ड व्यू करता हूँ या फिर इसको टॉप व्यू करता हूँ। यहाँ से अपने व्यू में ये सारे काम करने हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपने समझने, इसमें क्या है वर्ड जो होता है ये बेसिकली बॉटम के लिए होता है। टॉप कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बॉटम से टॉप की तरफ आता है, बॉटम और टॉप का दोनों फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल समझ सेम ही है। लेफ्ट कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से बनाना चाह रहे हैं लेफ्ट आ जाएगा, राइट साइड से बनाना चाहते हैं राइट साइड आ जाएगी, और फ्रंट से बनाना चाहते हैं फ्रंट और बैक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं बैक सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब जो रेक्टेंगल होगा ये बेसिकली इसके बैक पे है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बैक पे ये रेक्टेंगल, तो आप यहाँ से व्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जी, आप टॉप में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा ये आपस यूसीएस आइकन की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके पास यहाँ पे जो है तो यूसीएस आइकन है, नेम आइकन है और वर्ड का यूसीएस आइकन है। तो ये जो नीचे आपस यूसीएस आइकन है ये वाले, तो ये आप यहाँ से इनका स्टाइल चेंज कर, जैसे कि मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्टाइल जो वर्ड वाला आ जाएगा, तो आप यहाँ से यूसीएस आइकन का स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वर्ड यूसीएस आइकन है, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यही चीज है, बाद में हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको फिर समझाऊंगा कि क्या फंक्शन है। और ज्यादातर लोग आप इंटरनेट पे ड्राइंग सर्च कर लें जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे तो वो इन चीजों का इतना यूज ही नहीं कर रहे, हालांकि इनका बहुत फायदे हैं। यहाँ पे आपको बार बार व्यू चेंज नहीं करनी पड़ती, आप यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट साइड से बना सकते हैं, आप कोई भी काम करते हैं। जब हम काम करेंगे प्रैक्टिकली तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा कि इनका एकदम कैसे यूज करते हैं। ओके, तो मैं इसको टॉप व्यू कर लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैंने जो है तो 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से सॉलिड में जाता हूँ और मैं यहाँ से रिवॉल्व कमांड अप्लाई करता हूँ। तो देखिए रिवॉल्व कमांड, ये रिवॉल्व कमांड आप एक छोटी सी कमांड जो है रिवॉल्व, ये हजारों काम कर सकती है। जैसे कि मैं कोर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ जी, इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसका व्यू जो है तो बना लेता हूँ, यहाँ से इसका व्यू जो है तो मैं इसी तरह फ्रंट करता हूँ और मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसी तरह मैं एक जो है तो आर्क बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ।
एक आर्क यहाँ पे देता हूँ, एक गुम्बद फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ, एक आर्क यहाँ पे ले लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं लाइन लेता हूँ और इस लाइन बल्कि इसके ऊपर मैं एक स्टाइल देता हूँ, इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इस आर्क को यहाँ से इसके साथ जोड़ देता हूँ, पीएल इंटर, एंटर, डायरेक्शन के लिए डी एंटर, टी आर एंटर, देखते हैं इसमें क्या बनेगा और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके चलिए कोशिश करते हैं, हम तीन दो तीन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब मैं यहाँ से जो है तो इसको एसडब्ल्यूएस मैट्रिक भी मिलके जाता हूँ और यहाँ से व्यू में जाके तो इसको भी आप फ्रंट की जगह आप यहाँ से टॉप व्यू पे देंगे। ओके सबसे पहले आप यहाँ से रिवॉल्व कमांड की शॉर्ट कमांड होती है वो होती है आर ईवी, रिवॉल्व कमांड ऐसी शॉर्ट कमांड होती है आर REV, REV आपने सर टाइप किया तो रिवॉल्व आ गया, रिवॉल्व पर क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसे रिवॉल्व करना चाह रहे इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको एंटर करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, हम उसे कह रहे हैं स्पेसिफाई एक्सेस, कौन से एक्सेस से कहाँ तक आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं इस एक्सेस से लेकर इसको यहाँ तक इस एक्सेस तक इसको क्या करता हूँ रिवॉल्व करता हूँ। तो आप बस यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने टॉप से स्टार्ट किया टॉप जेड एक्सेस से लेकर मैंने बॉटम जेड एक्सेस पे मैंने काम किया, इसी तरह x एक्सिस पे काम करेंगे तो आपस x एक्सिस आ जाएगा और y एक्सिस पे काम करेंगे y एक्सिस आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट x y x z एक्सिस है। तो आसान तरीका ये है कि आप वहां से ड्रैग कर लें जहां तक आपने काम करें, तो यहां से यहां तक इसको रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ और देखें अब देखें बहुत जबरदस्त आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब कितना आपने इसको रिवॉल्व करना है एंगल दें तो एंगल मैं इसको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको एंगल में देता हूँ जी 360 कम्प्लीट एक ऑब्जेक्ट बनाकर बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए आपस ये क्या हो गया, रिवॉल्व ऑप्शन यहाँ पे है और आपस देखिए बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह मैं इस चीज को रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए भी मैं यहाँ से एक आर ई वी एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होता है कि नहीं, सिलेक्ट एंटर और इसको मैं कहाँ से कहाँ तक रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ, इस एंगल से लेकर इस एंगल तक मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ, देखिए बस क्या हो गया यहाँ से रिवॉल्व हो गया। इसको मैं 3D करता हूँ, इसको भी मैं 360 एंगल देता हूँ, देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो चुके हैं देख सकते हैं। इसी तरह मैंने कहा था एक गुंबद सा बनाते हैं तो उसके लिए मैं यहां तक जो है तो एक आर ई वी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके एंटर करता हूँ और तो यहां तक मैं रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ 360, तो मेरे पास यहाँ पे एक इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया, गुंबद तो नहीं बना लेकिन बहुत जबरदस्त, ये भी देखिए बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपस कौन सी कमांड है जी, ये रिवॉल्व के सारे फंक्शन, इससे हजारों चीजें आप बना सकते हैं। देख सकते हैं तो आप इसी कमांड से हजारों चीजें बना सकते हैं। मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूँ यहां से यहां तक, इस कॉर्नर तक आप देखते हैं कुछ करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देखिए तो बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्ट आप ड्रा कर सकते हैं इससे। तो आप इस तरह के आप काफी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन था जी रिवॉल्व कमांड का, रिवॉल्व में और देखते हैं कौन से हैं जी इस पर रिवॉल्व, तो बस यही आप उसके बाद स्वीप कमांड, स्वीप कमांड के क्या काम होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
तो आप यहाँ पे ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा आपको आप बना लेंगे। सो उसके बाद स्वीप कमांड, स्वीप कमांड बेसिकली क्या होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जो है तो मैं इसको जाता हूँ जी फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में मैं पॉल एंड पीएल एंटर करता हूँ, एक आर्क ले लेता हूँ, ओके, और यहां से इसे मैं ले आता हूँ जी दोबारा से एस डब्ल्यू एक्स मैट्रिक्स में, और व्यू में जाके इसको मैं टॉप व्यू में एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, मैं चाहता हूँ ये मेरे मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो सर्कल है ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, उसके लिए आप यहाँ पे जो है तो स्वीप कमांड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सॉलिड में जाता हूँ और यहाँ पे स्वीप पे क्लिक करता हूँ और कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको स्वीप करना चाह रहे हैं, मैं सर्कल को स्वीप करना चाह रहा हूँ, उस बाद आपसे कह रहा है कि आपने अलाइनमेंट देनी है, बेस पॉइंट देना है, स्केल देना है, ट्विस्ट करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट स्वीप पाथ, पाथ में देता हूँ इसको यहाँ से इधर, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक स्वीप कमांड यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, ट्विस्ट और बेस पॉइंट और ये क्या चीजें, यही चीजें। दोबारा से मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्वीप पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एक अलाइनमेंट के थ्रू वापस आ जाए, तो अलाइनमेंट पे क्लिक करें, कौन सी अलाइनमेंट है, यस कर लें, बिल्कुल ये अलाइनमेंट एक अलाइन के ऊपर आपस ही काम करेगा। इससे आप यहाँ से दोबारा से स्वीप के ऊपर क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, बेस पॉइंट कौन सा है, कौन से पॉइंट से आपसे स्वीप करना चाह रहे हैं, क्लिक करें, इस पॉइंट से मैं इसको स्वीप करना चाह रहा हूँ और क्लिक करें, देखिए उसी पॉइंट से स्वीप हुए। ट्विस्ट क्या होता है कि आपके पास ये ट्विस्ट बन के आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे स्वीप पे क्लिक करता हूँ और बेस स्केल कितना कितना स्केल आपसे स्वीप करना चाह रहे हैं, स्केल पे क्लिक करें, तो स्केल में एंटर स्केल फैक्टर जो है तो आप दे दें, स्केल फैक्टर में इसको देता हूँ जी 3 inches और रिक्वायर्ड न्यूमेरिक वैल्यू आपके कीबोर्ड में आप जो है एंटर कर लेते हैं और पाथ दे दें इसको, सिंगल भी वापस ये आ जाएगा। इसी तरह आप स्वीप के और भी काफी सारे फायदे हैं, क्लिक करें आप यहाँ पे, ट्विस्ट का क्या फंक्शन है वो रेक्टेंगल या चीजों के ऊपर होता है, मैं भी आपको बताता हूँ, ट्विस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ से ट्विस्ट दे देते हैं, मैं से ट्विस्ट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट सरफेस के लिए बेसिकली होता है, 1 inch कर लेता हूँ, 1 inch के ट्विस्ट पे आ गया आपस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने। मैं फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग ड्रा करता हूँ, मैं होम में जाता हूँ और यहाँ से एक स्प्रिंग बनाता हूँ, स्प्रिंग की शीट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से एक हेलिक्स कमांड अप्लाई करता हूँ, हेलिक्स कमांड के लिए मैं स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट देता हूँ और यहाँ से इसको मैं जो है तो दस फिट रेडियस देता हूँ और टॉप का रेडियस कितना चाहिए वो भी उसको देता हूँ जी 10, बल्कि उसको मैं देता हूँ जी टॉप रेडियस भी 10 ही दे देता हूँ क्योंकि स्प्रिंग शेप बनानी, तो 10 फिट टॉप रेडियस आ गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्न में बढ़ा देता हूँ, उसके नंबर ऑफ टर्न इसको देता हूँ जो 3 है, 6 नंबर ऑफ टर्न में इसको देता हूँ और स्पेसिफाई हाइट दे देता हूँ इसको मैं, हंड्रेड फिट, ओके। अब एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर। अब मैं एक स्प्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसी तरह स्वीप कमांड अप्लाई करूंगा, तो एस डब्ल्यू शॉर्ट कमांड है, एस डब्ल्यू एंटर करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो आप बस देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें हमने 100 फीट इसकी हाइट दे दी है और इसमें और भी काफी सारी चीजें अप्लाई की, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आप जो है तो इस पर स्वीप होने में क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। तो अभी मेरे पास सिस्टम हैंग हो गया, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो आपस ये क्या हो गया, एक स्प्रिंग की शेप बन गई। तो देखिए आपस ये क्या हो गया, स्वीप कमांड भी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो आप स्वीप की मदद से भी काफी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, काफी सारी ड्राइंग्स आप बना सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।